ज्येष्ठ की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून के बाद यूपी और बिहार को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ज्योतिषी गणना इस ओर इशारा कर रही है कि ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ का महीना भी लोगों को भीषण गर्मी का एहसास कराएगा। बता दें कि 23 जून से आषाढ़ महीने की शुरुआत हो रही है, जो 21 जुलाई तक चलेगा। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि आर्द्रा प्रवेश की कुंडली की गणना की जाए तो उसके कुंडली में जल तत्व की राशि कर्क है और उसके द्वितीय स्थान पर सूर्य, बुध और शुक्र की युति है। इस वर्ष अगर हम आर्द्रा प्रवेश की कुंडली का अवलोकन करें तो आर्द्रा प्रवेश की कुंडली जल तत्व राशि कर्क राशि की बनती है और उसके द्वितीय स्थान पर जो है सूर्य, बुध और शुक्र की युति है। लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में मंगल के घर में होने के कारण थोड़ा वर्षा में कमी के संकेत करते हैं। चूंकि शुक्र और चंद्रमा से सम सप्तक योग होने के कारण वर्षा होगी, लेकिन खंड वृष्टि होगी, पूर्ण वृष्टि के योग नहीं बनते हैं। प्रथम दृष्टया हम कुंडली का अवलोकन करते हैं तो यह प्राप्त होता है। संभव हो सकता है 16 जुलाई को बरसात हो, उसके बाद एकाध दो बार अच्छी खंड वृष्टि हो और पूर्वोत्तर के राज्यों में संभव है कि बाढ़ आने के संकेत हो सकते हैं। और सूर्य के पीछे मंगल होने की वजह से और मंगल के ऊपर चूंकि शनि के पापक ग्रह शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि नहीं होती तो वर्षा के बहुत अच्छे संकेत थे। सूर्य के पीछे मंगल है, लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि होने की वजह से वर्षा होगी, खंड वृष्टि होगी और बहुत कम होगी और अच्छी होगी, जो भी होगी अच्छी स्थिति।